नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो कार्तिक माह है सबसे पवित्र महीना, अगर हम 12 महीनों में से मानते हैं तो कार्तिक का महीना पहला ऐसा शुभ दिन है जो कि पूरे महीने भर इसमें काफ़ी महत्व रखते हैं। इसमें हर देवी देवताओं की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु से लेकर शिव जी से लेकर लक्ष्मी मैया से लेकर सब तक। तो आज हम जानेंगे सोमवार की व्रत कथा कार्तिक मास की। तो एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है। इसी तरह से मनुष्य संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे प्रभु, यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। अब इसके भाग्य में पुत्र न होने पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति तो दे सकता हूँ, परंतु वह भी 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था, तो इससे साहूकार को न तो प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पूर्व के समय शिव जी का व्रत और पूजन करने लगा। अब कुछ समय के बाद में साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। घर में बहुत धूमधाम से खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार के मन में तो था कि वह तो केवल 12 वर्ष तक जिंदा रहेगा, उसके बाद में उसकी कोई भी आयु नहीं थी। तो अब जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने पिता से उसके विवाह करने की बात कही। अब साहूकार बोला कि अभी तो इसको पढ़ाई लिखाई के लिए काशी भेजो, फिर उसके बाद में इनका विवाह करेंगे। अब साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर बालक को काशी पढ़ने भेज दिया। अब रास्ते में जावे तो यज्ञ ब्राह्मण को करावे दक्षिणा देते हुए जावे, तो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए गए, ब्राह्मण को भोजन कराते हुए गए। अब रास्ते में एक शहर पड़ा और उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वो तो खुद ही करना था। अब राजकुमार को देख राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार के अड़चन पैदा ना कर दे, इस वजह से उन्होंने उस सुंदर मनभावन लड़के को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस लड़के को वर के रूप में ढूंढ लिया जाए। तो ऐसे मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात कर ली। अब दोनों राजी हो गए, दूल्हे का वेश बनाकर उनको कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठा दिया। अब कन्या के द्वार पे पहुँचे तो सभी कार्य उनकी प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। अब राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी उसी लड़की से करा दिया जाए तो क्यों बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी कितनी कृपा होगी। अब सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसके राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो तो खुद ही करना है, अब मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो अंधे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। अब उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा विवाह तो जिसके साथ हुआ जो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। अब उधर सेठ का लड़का मामा काशी पहुँचे। अब वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ कराया, लड़के ने पढ़ना शुरू किया। अब जैसे ही उसकी उम्र 12 वर्ष थी तो लड़के की अचानक तबीयत खराब हो गई। अब उसने अपनी मामा को बोला कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जा। थोड़ी देर में ही उनके
प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने कहा कि उसका भांजा मृत पड़ा तो रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का काम अधूरा रह जाएगा। अब यज्ञ का कार्य जैसे ही समाप्त हुआ तो सबने रोना पीटना शुरू कर दिया। अब उधर से माता पार्वती और शिव जी जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगे कि हे नाथ, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक लड़का था, उसको आपने वरदान से उत्पन्न हुआ है। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। तो पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसका माता पिता तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से उसका लड़का जीवित हो गया। अब इसके बाद में माता पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर जब लड़का और उसके मामा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए घर की ओर चले तो रास्ते में उसी शहर में आए और जहाँ उस लड़के का वहाँ की राजकुमारी से विवाह हो रहा था वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। लड़के के ससुर जी आए, राजा ने उनको पहचान लिया, महल में ले जाकर उनकी आवभगत की, जैसे दास दासियाँ सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई को विदा दिया। वहां से विदा होकर सेठ का लड़का अपने मामा और पत्नी सहित उसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोज कराते हुए दक्षिणा देते हुए अपने घर के लिए चले गए। घर जाकर लड़की ने अपने माता पिता को सारी बात बताई, इससे वे बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव पार्वती, जैसे आपने सेठ और उसके परिवार को दिया वैसे सभी को देना, सोमवार व्रत कथा कहने सुनने हुकारा देने वाले को सबको देना। ये थी आज के सोमवार की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं लीना आपके अपने चैनल लीना किचन स्वागत करती हूँ। तो काफ़ी लोग सोमवार का व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान काफ़ी लोगों को सही पता नहीं होता है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सोमवार के व्रत में आप शाम को क्या खा सकते हैं, पूरे दिन भर क्या खा सकते हैं, सुबह क्या खा सकते हैं। तो व्रत में अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो काफ़ी लोग होते हैं जो केवल पानी पर व्रत रखते हैं और वही सबसे ज़्यादा सही व्रत माना जाता है, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो ओनली सिर्फ बस केवल पानी पर ही व्रत रखते थे और दूसरी कोई भी चीज़ नहीं खाते थे, जिससे कि मन शांत रहता है और क्रोध की भावना नहीं होती है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उनमें इतनी शक्ति नहीं है, तो इस वजह से आप सोमवार के व्रत में अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो बिना नमक के और बिना कुछ खाए व्रत रखे तो उसकी पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमें सोमवार के व्रत में, जो लोग व्रत रखते हैं वो तो कुछ भी खा सकते हैं, जैसे व्रत के दौरान खाने वाली चीज़ों को भी खा सकते हैं। जो एक समय भोजन करते हैं उनमें जो तामसिक सब्जियां होती है जैसे गोभी, बैंगन इत्यादि, ये सब सब्जियां हैं, उनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं और बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाना चाहिए सोमवार के दिन। तो व्रत में अगर आप, जो लोग, काफ़ी लोग होते हैं जो कि नारियल पानी या चाय के साथ कुछ मखाने खा सकते हैं और कुछ हेल्दी खाने के लिए कुट्टू के आटे की बनी हुई रोटी, कद्दू की सब्जी, सलाद, इन सब चीज़ों का और एक गिलास दूध या सेब भी खा सकते हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन सूर्योदय से शुरू करें और शाम की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। अगर हम शिव पुराण की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे प्रहर में यानी 4 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए और सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। और सोमवार के व्रत में नमक खाने की मनाही होती है, लेकिन काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं तो वो बोलते हैं कि कई लोगों को बीपी जैसी बीमारियों की समस्याएं होती है, तो ऐसे में सादे नमक की बजाय सेंधा नमक खा सकते हैं। सावन सोमवार में प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए, यह चीज़ें तामसिक होती हैं और व्रत में इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो ये थी, और साथ ही साथ जैसे जो चीज़ भगवान भोलेनाथ को हम चढ़ाते हैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे सोमवार के व्रत में हमें एक बैंगन की सब्जी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेल का जूस नहीं पीना चाहिए, और सोमवार के दिन दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो दूध का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।